अगर आप बाहरी पास हैं तो लोग तो इसमें मेरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं डिटेल से इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करूंगा। और दोस्तों तो कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो इस वैकेंसी से संबंधित, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और जिनकी वैकेंसी निकली है उनकी पूरी डिटेल आपके सामने पेश करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें इसका एग्जाम डेट है वो सितंबर 2022 के अंदर होने वाला है, और इसका लास्ट है 20 जून की 10 तारीख है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप 9461043633 जो आपका चार्ज कटेगा वो चार्ज आपसे लिया जाएगा और आपको फॉर्म भर के आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसका वेतन आपका बहुत अच्छा है, लेवल फोर लेवल पे है, यानी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको वेतन मिलेगा। और ये पुरुष के लिए अगर आप पुरुष हैं, पुरुष के अंदर फॉर्म आप देख सकते हैं कुल वैकेंसी 559 है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और अगर आप महिला कैंडिडेट है, क्या है महिला कैंडिडेट है, तो महिला कैंडिडेट के लिए भी आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 276 वैकेंसी है, तो पुरुष और महिला दोनों इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भाग ले सकते हैं। चलिए अब तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए और आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है, 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। तो छूट के रिगार्डिंग भी आपको मिलने वाला है, बिल्कुल आपको छूट मिलने वाली है। यस, तो चलिए और उसके बाद में अगर पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी देखिए जो कैंडिडेट है एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ईडब्ल्यू को 10, फिर 13, फिर 5 साल की छूट दे रखी है। पहली बार विकलांग कैटेगरी को सम्मिलित किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो उसका क्या क्या अपडेट रहने वाला है, विकलांग वाले कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से नहीं भर सकते हैं, और अगर आप बाहरी पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बाहरी पास होना जरूरी है आपके साथ में, क्वालिफिकेशन बाहरी पास। अगर आपको सी सर्टिफिकेट है तो 5% और बी सर्टिफिकेट है तो 3 और ए सर्टिफिकेट है 2% एग्जामिनेशन के अंदर आपको मिल सकता है आंकड़ा, रिजर्वेशन आपको पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। क्लियर। अब जो फर्स्ट क्लास के अंदर देख सकते हैं 5%, 4%, 3%, 2% वेटेज रहेगा नंबर का, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलो आपका एग्जाम सेंटर दोस्तों, सबसे पहले होता है एग्जाम सेंटर बिहार उत्तर प्रदेश वालों का अलग रहेगा, अंडमान निकोबार झारखंड उड़ीसा सिक्किम वेस्ट बंगाल का अलग, जो एसएससी का रीजन है उसके अनुसार होगा। 100 नंबर का आपका टेस्ट, उसके बाद फिजिकल, 25 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट, क्वालिफाई आपको करना है। क्लियर। यहाँ देखिए 20 नंबर का जनरल जीके, 20 बेसिक मैथमेटिक्स और जीके 25 नंबर का, उसके बाद माध्यमिक इंग्लिश 25 नंबर की, कंप्यूटर वर्क 10 नंबर की, कुल 100 नंबर 100 क्वेश्चन। क्लियर। माइनस मार्किंग 1.25 रहने वाली है। चलिए जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स जीके इंग्लिश कंप्यूटर का सिलेबस डिटेल से मैं आपको बता दूंगा, तो ये भी आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए और उसके बाद में आपका फिजिकल, क्या क्या फिजिकल रहने वाला है, तो फिजिकल के अंदर देख सकते हैं 7 मिनट के अंदर 40, और अगर आप 30 से 40 इंच के अंदर तो 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर आपको दौड़ पार करनी है। महिलाओं के लिए 5 मिनट के अंदर 800 मीटर और 30 मिनट के अंदर 30 से 40 के लिए 6 मिनट के अंदर। यस, चलिए आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। और डिसेबिलिटी, यस, पर्सनल डिसेबिलिटी 40% डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर कोड दे रखे हैं। तो भैया ये आपका पूरा का पूरा अपडेट है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा
लाइक से कमेंट करें।